हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग तरह की लंच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम झटपट बनाकर रेडी करेंगे। और ये तो ना नॉन वेज है ना वेज है, इसे आज हम बनाकर रेडी करेंगे मशरूम से। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करें। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चावल को धोकर सोख होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जब भी बिरयानी बनाएं ना, तो लंबे वाले चावल, बासमती चावल का इस्तेमाल करें, इससे बिरयानी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने धोकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर मैं रख देती हूँ। कम से कम इसे हम 1/2 आवर के लिए सोख करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम मशरूम लिया है, और जो बहुत ही फ्रेश है, मैंने फ्रेश देखकर इसे ले लिया था। और मशरूम को हम अच्छे से 4 से 5 बार वॉश कर लेंगे पानी से, क्योंकि मशरूम में बहुत सारी गंदगी होती है, तो इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इसे मैं 6 से 7 बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और इसे क्लीन कर लेती हूँ। अगर आपका मशरूम थोड़ा सा बासी है, चाहे पुराना है, तो उस पर ऊपर से हल्का हल्का कालापन आ जाएगा। तो ये हमारा जो मशरूम है ना, वो फ्रेश है। तो मैं इसे अच्छे से, मैंने इसे धो लिया है, इसे अब हम कट कर लेंगे। तो मैं इसे 2 पार्ट में ही कट कर ले रही हूँ, और जो ज़्यादा छोटा है उसे मैं सिंगल ही रहने दूँगी, क्योंकि बिरयानी में ज़्यादा छोटे पीसेस होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। आप चाहें तो पूरा सिंगल पीस भी रख सकते हैं, पर जो काफ़ी बड़ा है उसे मैं 2 पीस कर रही हूँ। तो बस इसे हम रख देते हैं साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, मैंने यहाँ पर छोटे मीडियम दोनों साइज के प्याज मिलाकर मैंने 8 प्याज लिया है, जिसे मैं बरिस्ता के लिए कट कर लूँगी। तो सबसे पहले इसके हमें लच्छे निकालने हैं, तो मैं इसे लंबाई में कट कर ले रही हूँ। और इसे इसी हाथों से इस तरह से मसल देंगे ना, तो इसके सारे जो लच्छे हैं वो खुल जाएंगे। तो मैं सभी प्याज को इस तरह से खोल ले रही हूँ, ताकि हम इसका बरिस्ता बना सके। तो जो हमारा प्याज है वो बिल्कुल रेडी है। तो मैं चलती हूँ गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखा है, और कढ़ाई में मैंने लगभग 6 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। और यहाँ पर मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने प्याज हैं उन्हें हम डाल लेंगे, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक क्रिस्पी इसे फ्राई कर लेना है। तो जितने मेरे प्याज के लच्छे थे, मैंने सभी को डाल लिया है, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रेगुलर चलाते हुए इसे एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे हम पका लेंगे। ये हमारा एकदम से गोल्डन कलर हो गया है, तो मैं इसे बस ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। और निकाल कर इसे, इसका जो सारा तेल है ना, वो दबा कर हम निकाल लेंगे, तो सारा ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। तो बस मैं निकाल कर इसे एक टिश्यू पेपर पर फैला देती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए, और साथ में ये ठंडा हो जाए। अभी तो आपको सॉफ्ट लगेगा, पर ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल कुरकुरा हो जाता है। जिस तरह से हमें चाहिए वही आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा पुदीना लिया है, इसे भी हम बारीक कट करके रख लेते हैं, क्योंकि हमें बिरयानी में इसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब मैंने छोटी कटोरी में दूध लिया है। ये हमारा गुनगुना दूध है, इसमें हम केसर के धागे डाल देंगे और इसे हम साइड रख देंगे। 1/2 घंटे बाद मैंने गैस पर एक पतीला लिया है, उसमें पानी डालेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और मैंने 5 से 6 गोलकी लिया है, 4 से 5 मैंने लौंग लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया की स्टेम डाल रही हूँ। साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है, और साथ में मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। और नमक के साथ हम इसमें 1/2 नींबू मैंने लिया है, जिसे निचोड़ लेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 से 3 मैंने मिर्च लिया है,
जो चीरा लगाकर मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं, एक उबाल आने देते हैं। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हमने जो सोख करके चावल रखे थे उसका सारा पानी निकाल लेंगे और इन चावलों को हम इसमें डाल लेंगे। और इसे हमें जब भी बिरयानी बनाए तो आप इसका चावल जो बनाए तो वो हमारा 70-80% कुक होना चाहिए, 100% कुक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चावल है बीच में हल्का सा बस कच्चा है, हमारे चावल बिल्कुल रेडी है जैसा हमें चाहिए। तो बस मैं इसे पानी इसकी स्ट्रेन आउट कर दी हूँ और ये चावल बनकर तैयार है। इसे हम रख देंगे साइड और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, मिक्सी के जार में मैंने लहसुन 2 इंच, अदरक का टुकड़ा, मैंने हरी मिर्च 3-4 ली है और यहाँ पर जो हमने प्याज लिया था ना बरिस्ता के लिए, जो प्याज तैयार किया था उसे डालकर मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है प्याज का। इस तरह से बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा आता है इससे। तो मैंने जो मशरूम को धोया था, मशरूम को मैंने कट कर लिया था, उसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मटर लिया है फ्रेश वाली और साथ में 2 मैंने गाजर लिया था जिसे भी मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में थोड़े मोटे ही चंक्स में कट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता हम डाल लेंगे बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मैंने दही लिया है और इसे आप चाहे तो फेंट के ले सकते हैं पर मैंने फेंटा नहीं है। और 2 छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है इसमें, 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून के करीब बिरयानी मसाला डाल रही हूँ और जो हमने ग्राइंड किया था लहसुन अदरक प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट वो लगभग मैं यहाँ पर 2.5 चम्मच डाल रही हूँ, 2.5 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा और उसी में मैं आधा जो नींबू हमारा जो बचा है उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ मशरूम में। बस इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हाथों की सहायता से मैं मिक्स करूँगी क्योंकि स्पैचुला से अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा, हाथ से कीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छे से ये दही जो है कोट हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी मैरिनेशन हमारी। तो यहाँ पर मैंने हाथों से इसे मिक्स करके मैरिनेशन कर दिया है। तो इसे अब हम रख देते हैं साइड। और यहाँ पर मैंने जिस कढ़ाई में प्याज को फ्राई किया था, बरिस्ता बनाया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है और यहाँ पर करीबन मेरा ये 2 चम्मच के करीब ऑयल है, 1 बड़ा चम्मच। और जितने जो हमने मशरूम और मटर और गाजर को मैरिनेट किया है उन सभी को हम डाल देंगे। और जो हमारा जैसे मटन चिकन होता है तो उसे मैरिनेट करने में टाइम लगता है, पर जब भी आप मशरूम की बिरयानी बनाएं ना तो इसे झटपट बना लें क्योंकि इसे मैरिनेट कीजिएगा ना तो पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पर भी हमारा जो गैस है ना, गैस की फ्लेम हमारा हाई होना चाहिए, नहीं तो आपको आधा घंटा 1 घंटा आपको मशरूम फ्राई करने में ही निकल जाएगा। हमारा मशरूम फ्राई हो गया है, इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं बचा है पानी, तो मैंने इसे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और यहाँ पर गैस पर मैंने हांडी रखा है, आप चाहे तो पतीले में भी बना सकते हैं पर मेरे पास ये हांडी थी तो मैं उसी में बना रही हूँ। हांडी को गर्म कर लिया है और हांडी में थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाला है। और जो हमने मशरूम को फ्राई किया था ना, मशरूम गाजर मटर को, उनको लेयरिंग कर लेंगे। तो नीचे में मैंने मशरूम डाल लिया है ऑयल डालकर, उसके ऊपर हम चावल की लेयरिंग लगाएंगे। आपको जितनी लेयर लगाना है उतनी आप लगा सकते हैं, मैं इसमें 2 से 3 लेयर लगाऊंगी। चावल के ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और इसमें मैं थोड़ा सा जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा है ना बरिस्ता को, वो हम फैला लेंगे इसमें डाल लेंगे। और इसी में मैं इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर वाला दूध। तो यहाँ पर जो मैंने केसर भिगो के रखा था दूध में, गर्म दूध में, वो हम ले लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी लिया है तो मैं इसमें
एक से दो चम्मच केवड़ा वाटर भी डालूंगी छोटी चम्मच से। एक लेयर लगने के बाद दूसरे लेयर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। पहले सब्जियां लगाएंगे, उसे फैला लेंगे, उसके ऊपर हम चावल की लेयरिंग लगाएंगे। और चावल की लेयरिंग लगा के मैंने जो पहले किया था, जिस तरह से मैंने धनिया पत्ता, पुदीना के पत्ता, बरिस्ता और हमने जो केवड़ा वाटर डाला था, केसर वाटर डाला था, वो उन सभी को डालकर लगा लेंगे। और ये हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है, तो सबसे ऊपर वाले लेयर में मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, तो एक बड़ा चम्मच के करीब घी डालेंगे। आप चाहें तो जो प्याज हमने फ्राई किया था बरिस्ता के लिए वो भी डाल सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है बिरयानी मसाला। बस इसे हम पैक कर लेंगे। इसको बंद करने के लिए मैंने गुथा हुआ आटा लिया है, जो नॉर्मल रोटियां हम बनाते हैं ना गेहूं की, उसी आटे का इस्तेमाल मैंने किया है। और इस तरह से इसे सील पैक कर देंगे ताकि इसमें से कुछ निकले ना बाहर। तो मैंने चारों तरफ से इसे सील पैक कर लिया है। और गैस पर मैंने एक तवा रखा है लोहे की, लोहे के तवे पर हम इस हांडी को रख लेंगे। और इसे हमें 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी तरह से दम लगाना है। डायरेक्ट गैस पर रख देंगे तो हो सकता है थोड़ी जल जाए, पर इस तरह से रखेंगे ना तो आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं जलेगी। ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मटन चिकन को टक्कर देने वाला मशरूम हांडी दम बिरयानी बनकर रेडी है। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन हटाया है, घर तो खुशबू से महक उठा है। बहुत ही लाजवाब ये बनकर रेडी होता है। आप भी इस तरीके से बनाओगे तो आपका भी जो बिरयानी है परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर जब भी आप बिरयानी को खोले ना, तो साइड से करछी घुसाकर ही निकाले, एक साइड से पूरी चारों तरफ से आप ना निकाले। देखने में लग रहा है ना कितना अच्छा, और बना भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब था। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, आप कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी आपको अगर अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।